हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, श्रावक, जूही, हेमंत, ब्रिटिनी. गुड मॉर्निंग राही, सोनू. गुड मॉर्निंग बच्चे. ब्राइटनेस सही है. गुड मॉर्निंग आरू. गुड मॉर्निंग. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स. सबसे पहले आपको एक चैंपियनशिप याद रखनी है क्योंकि इसे जो है होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा. ठीक है, चैंपियनशिप हॉकी की है, नाम है एशियन चैंपियनशिप हॉकी. ठीक है, मेंस पुरुषों की है, मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप. ये इस बार जो है होस्ट की जा रही है इंडिया के द्वारा और ये खेली कहाँ पे जाएगी, चेन्नई में. ठीक है, इंडिया में कहाँ पे, चेन्नई में इसे खेला जाएगा और अगस्त 3 से लेकर के 12 अगस्त तक ये टूर्नामेंट आपका चलेगा. ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की और पुरुषों की है. ठीक है, मेंस की है, इस बार होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा. अगला बच्चे एक स्टेट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, स्टेट है मध्य प्रदेश, इनकी सरकार के द्वारा क्या किया गया है, एक एप्लीकेशन, एआई पावर्ड चैटबॉट इसे कह सकते हैं. ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित आपका क्या है, एक चैटबॉट है जिसका नाम है जस्ट आस्क. ठीक है, जस्ट आस्क. और इन्होंने जो इनोग्रेट किया है या फिर लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया है. ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, UNFPA के साथ में मिलकर के मध्य सरकार के, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने एक AI बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, नाम है इसका जस्ट आस्क. और जस्ट आस्क बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि सेंसिटिव होते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर आप लोग किसी से पूछते नहीं है, वो आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, जैसे कि आपका रिलेटेड टू सोशल इश्यूज एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, टारगेटिंग एडोलिसेंस एंड यंग एडल्ट. ठीक है, जो किशोर अवस्था में लोग हैं या फिर जो वयस्क लोग हैं, उन उनके बच्चे जो सवाल हैं, ठीक है, इन सेंसिटिव टॉपिक के बारे में उनका जो है यहाँ पे आंसर मिलेगा. आपको याद रखना है जस्ट आस्क, ये जो है आपका AI पावर्ड चैटबॉट है, लॉन्च किसने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है. ठीक है, इतना याद रखिएगा. अगला, एक किताब का नाम आपको याद रखना है और किताब के राइटर का नाम भी आपको याद रखना है. किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स. ठीक है, तो ये बुक बच्चे आपकी लिखी है नीरजा चौधरी. अगर आपने इनका नाम सुना होगा भी, बहुत फेमस जो है जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट और बहुत वेटरन भी हैं. ठीक है, नाम है इनका नीरजा चौधरी. नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड. ठीक है, तो बुक का नाम और राइटर का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड और नीरजा चौधरी, राइटर का नाम है नीरजा चौधरी. अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. संसद में जो है आपका मानसून सत्र चल रहा है, आपको पता है ना, तो वहां पे बच्चे बहुत सारे बिल जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. उनमें से एक आपका ये बिल भी है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, अब जो है इसे लोकसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया है. बिल क्या है, बिल का नाम है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023. अब देखिए ये जो आपका बिल है ना, इस बिल में आपको क्या किया गया है कि बहुत सारे केंद्रीय एक्ट ऐसे हैं, केंद्रीय अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें की बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी वर्तमान सरकार को, और उन्होंने बच्चे एक इस बिल के द्वारा, इस बिल को जो है 2022 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था पहले, लेकिन वो पास नहीं हुआ था. तो अभी जो है फाइनली जो है दोनों जगह से पास हो गया, तो राष्ट्रपति के साइन बचे तो वो भी हो ही जाएंगे, है ना. तो जन विश्वास अमेंडमेंट, और ये किसी एक बिल में या फिर किसी एक अनुच्छेद में अमेंडमेंट करने के लिए नहीं लाया गया है, ये जो आपका बिल है बच्चे, इसके तहत आपके आते हैं 42 सेंट्रल एक्ट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए अधिनियम है, एक्ट है, ऐसे 42 अधिनियमों में कुछ ना कुछ जो है बदलाव आपका किया जा रहा है. और बदलाव क्या देखते हुए किया जा रहा है या फिर क्या सुनिश्चित किया जा रहा है, यह आपका
टू प्रमोट ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो स्टार्टअप कल्चर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, वो थोड़ा सा उसे इनहेंस किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग को आपका बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जन विश्वास विधेयक अधिनियम ये आपका पास हुआ है। और इसके तहत बच्चे आप कहेंगे कि 42 के 42 सेंट्रल एक्ट आपको याद रखने के, सारे के सारे अधिनियम याद रखने हैं जिनमें संशोधन हुआ है, तो बच्चे सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें याद रखिएगा जो आप आमतौर पर भी पढ़ते हैं, जैसे कि ये वाला द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये आपका कब का है, 1981 का है। इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस ये याद रखिएगा इनमें कुछ ना कुछ आपका जो है ये बदलाव हुआ है, जैसे कि आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, ठीक है। तो ये एक्ट कब कब के हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कब का है, 2000 का है, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1986 का है, इसमें भी बदलाव हुए हैं। इसके अलावा बच्चे आपका इंडियन रेलवेज एक्ट, द रेलवेज एक्ट, ये आपका 1989 का है, इसमें भी बदलाव हुए हैं। द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का, इनमें सबसे पुराना बिल ये है, ठीक है, सबसे पुराना अधिनियम है, इसमें भी आपका बदलाव हुआ है, ठीक है। तो किसी में जो है सजा कम कर दी गई है, किसी में जो है आपका सजा ज्यादा कर दी गई है, जिसमें किसी में जो है आपका क्रिमिनलाइज किया गया था बहुत सारे अपराधों को या बहुत सारे कृत्यों को, उन्हें आपका हटा दिया गया है, तो वो पढ़ने के, वो डेवलपमेंट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो आपका बिल है, ये जो आपका संशोधन विधेयक है जिसका नाम है जन विश्वास, ये किस चीज से रिलेटेड है बच्चे, भारत में ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे कितने, लगभग 42 केंद्रीय अधिनियम ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया गया है, ठीक है। 42 में से थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें आप आमतौर पर भी पढ़ते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनका ईयर वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अभी तो ये आपका पूरे के पूरे चेंज हुए हैं, तो इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। रेलवे एक्ट हो गया आपका 1989 का है, ये देखिए बच्चे FSSAI का जो आपका एक्ट है, जिसके तहत FSSAI बना हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये आपका 2006 का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अधिनियम है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ये आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो सारे के सारे एक्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से साल के हैं, ठीक है, कब कब के हैं, इन्हें थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिएगा इन पे, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आपका 1898 का सबसे पुराना, ठीक है। आईटी एक्ट ये 2000 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन एक्ट को एक बार देख लेना है, कौन सा एक्ट कब का है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, जन विश्वास बिल अधिनियम, और ये आपका संशोधन अधिनियम है, संशोधन करने के लिए आपका लाया गया है, किस चीज में संशोधन करना है बच्चे, 42 सेंट्रल एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। और जो ये आपके संशोधन है, आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे एक्ट जो है एक ही सेक्टर से नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से है, अलग अलग मंत्रालय से इनका संबंध होगा, तो टोटल जो है आपका 19 आपकी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, 19 मिनिस्ट्रीज या फिर 19 डिपार्टमेंट से आपकी रिलेटेड है, ठीक है। आ गई है ये वाली न्यूज समझ में, बताओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये कोई बच्चे आज की खबर, अब है गंगा नदी का तंत्र, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर और कंफ्यूजन भी हो जाता है इसमें कई बार, इसकी ट्रिब्यूटरीज में गंगा की और यमुना की ट्रिब्यूटरी में, कंफ्यूज मत करिएगा, कई बार यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित जो नदियां दी गई हैं इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है या फिर कौन सी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन करना नहीं आपको। अब देखिए गंगा, गंगा कैसे बनती है बच्चे, गंगा का जो आप अगर मोटा माटी देखेंगे तो उसका जो आपका रिवर सिस्टम है ना वो इस तरीके से है, ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दो नदियों के संगम से बनती है और दो नदियों में ही टूट जाती है,
आखिरी समय में जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ गंगा का आपका सिस्टम है। अब जो आपका एग्जाम का बच्चे आपने देखा होगा कि पहले तक अभी से पहले जो आपके जब तक इजी हो रहे थे एग्जाम, तो उनमें जो है आपका गंगा नदी जब यूपी में एंटर कर जाती है तब से जो है आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी आपका जो 2022 में एग्जाम हुआ था एसएससी जेई का, वहां पे उन्होंने गंगा नदी तंत्र से क्वेश्चन तो पूछा था, लेकिन कहां से? उत्तराखंड वाले पार्ट से, ठीक है। तो उत्तराखंड वाला पार्ट अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम होता है ना बच्चे, वो दो नदियां मिल करके बनाती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा नक्शे में, समझने की कोशिश करिए कि कहां से इसका उद्गम होता है और क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, एक तरफ आपको बद्रीनाथ दिख रहा है, ठीक है। बद्रीनाथ अब चूंकि ये आपका फेमस प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यहीं से नदी निकल रही है, ठीक है। बद्रीनाथ के पास में बच्चे पीछे क्या है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पे ग्लेशियर्स है। इन्हीं ग्लेशियर्स में एक ताल है जिसका नाम है सतोपंत ताल। ये तो पता है ना कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है, बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम के पास में जो है ग्लेशियर्स है, वहां पे सतोपंत ग्लेशियर, उसी में आपका एक ताल है सतोपंत ताल, ठीक है। इतना याद रखिएगा, वहां से एक नदी निकल रही है जो आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी। इस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा इसका नाम है। तो हम एक तरफ लिख देते हैं, ये हो गई आपकी अलकनंदा, ठीक है। दो अलग अलग नदियों से मिलकर के बनी है गंगा, एक तरफ आपकी अलकनंदा है और दूसरी तरफ है आपकी भागीरथी। अब भागीरथी कहां पे आके मिलती है, उससे पहले थोड़ा सा अलकनंदा का जो अपना पाथ है बच्चे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, थोड़ी दूर चलते ही जो है आपका यहां पे एक प्रयाग आता है। प्रयाग माने की संगम, दो नदियों का संगम, ठीक है। क्या कहते हैं प्रयाग, मतलब की दो नदियों का संगम। तो यहां पे बच्चे पहला प्रयाग आता है जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। यहां पे जो बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही थी उसमें आकर के मिल जाती है धौली गंगा, ठीक है। कौन सी नदी है ये? धौली गंगा। तो ये आपका पहला प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा और आगे बढ़ती है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो प्रयाग आता है आपका वो है नंद प्रयाग, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया आपका नंद प्रयाग, याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन सी नदी आ रही है? नंद प्रयाग में दूसरी तरफ से आ रही है नंदाकिनी, ठीक है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी, ठीक है। मेन रिवर आपकी अलकनंदा ही है अभी भी, ठीक है। फिर अलकनंदा थोड़ी सी आगे बढ़ी, वहां पे आपका तीसरा प्रयाग बनता है, वो है कर्ण प्रयाग। यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है अलकनंदा में? इस नदी का नाम है पिंडर नदी, ठीक है। तो पिंडर नदी, तीन नदियां मिल गई हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हें पूछा जाएगा कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो फाइनली जो है आपका गंगा का निर्माण कर रही है बच्चे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। और वैसे एग्जैक्टली अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपका धौली गंगा हो गई पहले नंबर की, दूसरे नंबर पर हो गई नंदाकिनी, तीसरे नंबर पर हो गई आपकी पिंडर नदी, ठीक है। पिंडर नदी कौन सा प्रयाग है? यह बन रहा है आपका कर्ण प्रयाग। तीन प्रयाग हो गए। अब आता है आपका चौथा और आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग बच्चे, यहां पे देखिए आपका यह है देव प्रयाग, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग भी है, ठीक है, रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन रुद्रप्रयाग जो है आपका, रुद्रप्रयाग में आपका थोड़ा सा नदी का नाम अलग हो जाता है। रुद्रप्रयाग में जो नदी आ रही है, अभी तक आप देख रहे हैं कि सारी की सारी नदियां लेफ्ट साइड से आ रही हैं, बाई तरफ से आती हैं, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग से एक नदी आती है आपकी दाहिने तरफ से, और ये नदी आपको दिख रही होगी मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी है। और ये कहां से निकल रही है बच्चे? केदारनाथ के पास से, ठीक है। केदारनाथ धाम भी आपको पता होगा, तो केदारनाथ के पास से जो है मंदाकिनी निकलती है, और यहां से निकलते हुए जो है आपकी ये रुद्रप्रयाग में क्या हो जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। अब देखिए, इसे आप रिलेट करिएगा, जब 2013 की जो आपकी बाढ़ आई थी, आप सभी ने सुना होगा उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, तो बच्चे इसी नदी पे आई थी, मंदाकिनी वाली नदी पे, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी का पानी बढ़ा था, उसके कारण जो है आपका अलकनंदा का पानी बढ़ा था, ठीक है। तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो नदी है आपकी, ये ज्यादा पानी लेकर के आ रही है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। और ऑलरेडी ये आपकी खुद में भी आपकी बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, अलकनंदा जो है। अब यहाँ पे देखिए, मंदाकिनी जो है आपकी आ रही है, और ये रुद्रप्रयाग में जाकर के क्या हो रही है? रुद्रप्रयाग में जाकर के अलकनंदा में मिल रही है। अब हो गए आपके चार प्रयाग। अब आता है आपका अंतिम, जिसे कि हम कहते हैं देव प्रयाग, और ये पांचों के पांचों प्रयाग मिलकर के बच्चे पंच प्रयाग बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पंच प्रयाग।
उत्तराखंड के पंचप्रयाग, और पंचों के पांचों जो प्रयाग हैं इसे आप कहेंगे कि ये आपका गंगा नदी पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देवप्रयाग में एक आपकी नदी आती है भागीरथी, इसका नाम क्या है, भागीरथी। ये हो गई आपकी गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरी। और एक चीज बचे, ऐसा है कि हम जब कहते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उसमें आपका बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख नाम की जगह है वहां से निकलती है। तो बच्चे गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे गंगोत्री धाम भी है, मंदिर भी है, लेकिन उसके पीछे जो आपका हिमालय क्षेत्र है वहां पे आपका एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बल्कि कहीं है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। और वहां से आपके एक गौमुख नाम की जगह है, वहां से जो है आपकी एक धारा निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है। और इसे ही बाद में जाकर के जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, फिर इस कॉमन स्ट्रीम को या फिर इस एक धारा को कहा जाता है गंगा, ठीक है। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो वैसे तो हम कहते हैं कि गंगोत्री गौमुख से निकलती है, ठीक है। और दूसरा बचे आपका कहां पे कहेंगे आप, ये देवप्रयाग। तो देवप्रयाग भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा इसे यहीं से कहा जाएगा। उससे पहले अलकनंदा आपकी अलग हो गई, उससे पहले जो है आपकी भागीरथी अलग हो गई, ठीक है। एक चीज क्या है बच्चे कि ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है गंगा को बनाने में वो अलकनंदा का है, ज्यादा पानी जो है अलकनंदा लेकर के आती है, ठीक है। लेकिन जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हमारे जो आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसके कारण जो है हम राजा भगीरथ के द्वारा, ऐसे कहा जाता है ना, आपने पढ़ी होगी राजा भगीरथ की कहानी, कि भागीरथी को जो है आपका यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। भागीरथी जो नदी है उनके द्वारा ही इसे जो है जमीन पर लाया गया था, तो उसे ही जो है आपका गंगा का स्वरूप माना जाता है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन के मामले में देखे बच्चे, तो ज्यादा पानी जो है अलकनंदा लेकर के आती है। तो दोनों ही आपके गंगा इक्वल पार्ट है, एक तो जो उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, एक उसका जो कल्चरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसके कारण ये भी है। तो 50% ये, 50% ये, ठीक है, दोनों का आपका सेम हो जाता है। तो एक तरफ से आ रही है भागीरथी, भागीरथी बच्चे कहां से निकलते हुए दिख रही है आपको, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो दोनों नदियों का उद्गम स्थल आपको याद रखना है, अलकनंदा सतोपन से निकली है, ठीक है, सतोपन से, और जो भागीरथी नदी है ये निकली है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। और दोनों की दोनों मिली कहाँ पे है, ये मिली है देवप्रयाग नाम की जगह में, इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग, और ये उत्तराखंड का पांचवा प्रयाग है। इससे पहले जो अलकनंदा है वो आपके पांच प्रयाग बनाते हुए आती है, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपका देवप्रयाग, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। और इनमें जो ये नदियां आकर के मिल रही हैं, मंदाकिनी हो गई, धौली गंगा हो गई, पिंडर हो गई, नंदाकिनी हो गई, इन्हें थोड़ा सा याद किया गए, सारी की सारी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती हैं, गंगा की सहायक नदियां हो जाती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी का तंत्र है उसे समझिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, दो जगह बस आपको याद रखनी है। अगर गंगा का उद्गम पूछा जाए तो हम गंगोत्री भी कह सकते हैं, ठीक है, और हम जो है देवप्रयाग भी कह सकते हैं, और गंगोत्री और देवप्रयाग नहीं आया अगर ऑप्शन में तो हम जो है सतोपन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी जो है उसको अलकनंदा का ही जाता है, तो हम सतोपन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तीन आपको उद्गम स्थल याद रखने हैं गंगा के बारे में, जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका यही है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा एक और धाम है यमुनोत्री, यहां से निकलती है आपकी यमुना, यमुना के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यमुनोत्री नदी बचे आपकी यमुनोत्री से निकलती है, और यहां से जो है आपकी इलाहाबाद नाम की जगह पे, प्रयागराज नाम की जगह पे जो है वो आपकी गंगा के साथ में मिल जाती है। तो ये उत्तराखंड में जो है आपका गंगा का प्रवाह तंत्र है, ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे। और उत्तराखंड से वो छोड़ती कहां पे बच्चे, और ये एंटर करती है पहले तो उत्तराखंड में हरिद्वार नाम की जगह है, ठीक है, हरिद्वार में क्या करती है, पहाड़ों को छोड़ करके मैदानी जगह में एंटर करती है गंगा। उसके बाद में आपका हरिद्वार से फिर आपका थोड़ा सा इतना जो है उसका उत्तराखंड में पाथ है, उसके बाद बच्चे यूपी में एंटर कर जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ। कौन सा फिगर नहीं दिख रहा भाई, नीचे फिगर है नहीं वैसे, कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, हाँ वेरी गुड, टिहरी प्रोजेक्ट किसमें है, टिहरी प्रोजेक्ट बच्चे आपका ये भागीरथी जो आपको दिख रही है ना, भागीरथी, भागीरथी में ही एक जो है आपकी नदी आकर के मिलती है भिलंगना, जिसका नाम है भिलंगना, ठीक है। तो इतना इतना पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो भिलंगना नाम की एक नदी है, ये दोनों जहां पे मिलते हैं ना उसे गणेश प्रयाग कहते हैं, और वहीं पे जो है आपका टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, टिहरी डैम यहाँ पे बना हुआ है बच्चे, ठीक है। तो ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है टिहरी डैम, और आपने जो बाढ़ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करी हो, क्योंकि इन चीजों को आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज में, आपने 2013 की जो बाढ़ आई थी वो यहाँ पे आई थी, क्योंकि केदारनाथ के बारे में आपने सुना होगा उस टाइम पे, तो नदी बच्चे यही थी आपकी मंदाकिनी नदी, ठीक है। उसके अलावा आपने अभी सुना होगा
मैं ईयर भूल गई हूँ, 2019 में आई थिंक, जिस टाइम पे कोविड जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, फरवरी के महीने में सर्दियों के टाइम पे एक आपकी बाढ़ आई थी और वो ग्लेशियर टूटने से आई थी, अगर आपको याद हो बच्चे, तो वो इस नदी पे आई थी, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा जो कि आपकी ये अलकनंदा की सहायक नदी है, जहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, विष्णु गार्ड यहाँ पे परियोजना थी NTPC की, तो उस नदी पे जो है आपकी बाढ़ आई थी, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो कोविड के टाइम पे जो आपका जनवरी फरवरी का महीना था ठंडियों के टाइम पे, और वहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटने के कारण जो है यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो धौली गंगा हो गया आपका, मंदाकिनी हो गया, वैसे भी आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं। ठीक है, भागीरथी टिहरी के कारण, टिहरी डैम जो बना हुआ है, सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है, उसके कारण आपके चर्चाओं में है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत कॉमन है बच्चे, इसका अगर तंत्र अंदर अंदर जाते जाएंगे तो बहुत नदियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। अगर दोनों आए ऑप्शन में तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जिसका ज्यादा है गंगोत्री, ठीक है, वही आपका सुक्यारे है, वही ज्यादातर जो है लिखा भी जाता है डॉक्यूमेंटेशन में भी, हर जगह ऑफिशियल डेटा में भी वही है। तो बच्चे गंगोत्री याद रखिएगा, ठीक है, गंगोत्री गौमुख नाम की जगह है और यहाँ पे गंगोत्री धाम भी बना हुआ है, तो इतना जो है उत्तराखंड में आपको याद रखना है। अब पहले इसका देख लेते हैं कि ट्रैक क्या है। ठीक है, उत्तराखंड से निकल गई, आपको दिख रहा होगा देवप्रयाग नाम की जगह है, फिर आपका ऋषिकेश आता है, यहीं पर आपका ऋषिकेश भी है, देवप्रयाग के आगे जो है पहले ऋषिकेश आता है, फिर आपका हरिद्वार आ जाता है ना, हरिद्वार से जो है आपके मैदानी क्षेत्र में एंटर कर गई। अब जो है बच्चे ये आपको दिख रहा होगा यूपी में पहुंच गई है, यहां से आपका कट हो जाता है उत्तराखंड, अब ये यूपी में आती है, ज्यादातर जो इसका पाथ है वो आपका यूपी में ही, ज्यादातर जो है आपके यूपी में बहती है। उसके बाद में आपको यूपी के बाद में दिख रहा होगा थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका इसका यहां पे है, ये जो जगह है बच्चे ये है आपके झारखंड, सबसे छोटा जो इसका पाथ है वो कौन से स्टेट में है, ये है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद में एंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आपको दिख रहा होगा कि जो ज्यादा पानी वाला हिस्सा है वो आपको नीचे कलकत्ता की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और जो आपका कम पानी वाला हिस्सा है वो आपको बांग्लादेश की तरफ जाते हुए दिख रहा है ना, तो जो कलकत्ता की तरफ जा रही है इसका नाम तो है आपका हुगली नदी, कल बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटरी है, पानी को अपने साथ ले जाती है ना, जोड़ती नहीं है पानी जो है आपका, इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऐसी नदियों को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये आपकी हुगली नदी हो गई, और हुगली नदी के अलावा जिसे हम गंगा कह रहे हैं लास्ट तक, ये आपकी गंगा है, और ये बच्चे आपके बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां से क्या कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो पाथ है मैंने कहा आपको इस तरीके से है। ठीक है, दो नदियों से मिल करके बहती है बीच में, सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में जाकर के फिर से जो है बाइफर्केट हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, गंगा के पाथ के बारे में भी अपना अपना आपका क्वेश्चन बनता है, ज्यादा स्टेट है नहीं बच्चे, आपका सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर आपका यूपी है, फिर आपका झारखंड है, सॉरी बिहार है, बिहार के बाद में झारखंड है, झारखंड के बाद में आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, कैसे भूल गए बिहार को, पटना जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, वाराणसी हो गया, ये आपका यूपी में है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और उत्तराखंड में खास करके ज्यादा कंफ्यूजन मुझे पता है यही पे होने वाली है, क्योंकि ज्यादा अभी आया नहीं, ये ज्यादा पढ़ाई भी नहीं जाता है ज्यादा, अभी यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू ही हुए हैं, तो बच्चे इससे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र पर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे, इसके जो सहायक नदियां, ध्यान से पढ़िएगा, गंगा नदी के कुछ सहायक नदियां ऐसी हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसे हम कहेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, नहीं राइट साइड, जो नीचे से ऊपर को जा रही है वो आपको दाई तरफ से मिल रही है गंगा में, ऊपर की तरफ से जो आ रही है उसे कहेंगे बाई तरफ से आ रही है गंगा में। ठीक है, तो ये आपको देखते हैं, आप गंगा का जो ये अपवाह तंत्र है किस किस तरीके से, देखिए लेफ्ट और राइट करके पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ना है, लेफ्ट और राइट करके पढ़ेंगे। अब ये हो गई आपकी गंगा, गंगा को ऐसे ही बनाइएगा हमेशा, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, ये है आपके गंगा रिवर। अब देखिए जो दाई तरफ से मिल रही है उनमें सबसे पहली इसमें आती है बच्चे, यूपी में जो मिल रही है उसका नाम है यमुना, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यमुना। ठीक है, दाहिनी तरफ से, और दाहिनी तरफ से आपकी यमुना के बाद जो आपकी नदी आ रही है इसमें, उसका नाम है आपका सोन। ठीक है, दाहिने तरफ से सोन, सोन, और सोन की ही आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सोन में जो आप करके बहती है वो है आपकी रिहंत। कौन सी नदी है? रिहंत। ठीक है, तो सोन हो गई और रिहंद भी आप गंगा के ही कहेंगे जो है आपका, क्योंकि इसका पानी जो है आपका गंगा में ही जा रहा है। ठीक है, एक और नदी आती है बच्चे आपकी, ये हुगली हो गई, ये वाली कौन सी हो गई? हुगली, और ये वाली हो गई आपकी बाद में पद्मा। ठीक है, तो ये जो हुगली है, हुगली की सहायक नदी है आपकी एक दामोदर, यहाँ पे लिखेंगे दामोदर, दामोदर नदी वैली, आपने सुना होगा
भारत का जो पहला पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था मल्टीपर्पज, वो बच्चे दामोदर नदी पे ही बना था, है ना। तो दामोदर नदी हो गई, तो इन चारों को इधर याद रखिएगा, बस इधर की तरफ से नीचे की तरफ से जो जा रही है, ठीक है। यमुना पहली हो गई, सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, उसके बाद में आपका सबसे लास्ट इसे कहते हैं, इस पर जो क्वेश्चन आता है सोन पे, सोन पे क्वेश्चन आएगा कि गंगा में दाहिने तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी, ठीक है, गंगा में दाहिने तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी ये हो जाती है आपकी सोन, ठीक है। कौन सी है बच्चे, सोन हो जाती है, क्योंकि अगर हम दामोदर को देखें तो दामोदर अल्टीमेटली गंगा में नहीं मिल रही है, वो किस में मिलती है, हुगली में मिलती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा सोन होता है, इसे याद रखिएगा। यमुना हो गई, रिहंद हो गई, सोन हो गई और दामोदर हो गई। दामोदर किसकी सहायक नदी है, जो हुगली वाली जो स्ट्रीम है गंगा की, उसकी एक नदी है, ठीक है। तो इतना इन चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। सोन हो गई, रिहंद हो गई और दामोदर हो गई। अब सोन का जो उद्गम स्थल है ये पूछ लिया जाएगा, तो ये बच्चे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। यमुना के बारे में ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। दामोदर नदी जो आपकी हुगली की सहायक नदी है, तो इधर की तरफ से नीचे की तरफ से सिर्फ इतनी नदियों को आपको याद रखना है इसके लिए, गंगा के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, दाहिनी तरफ से पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं बाई तरफ से कौन कौन सी आती हैं। बाई तरफ से इसे खुद से भी ड्रॉ करेंगे तभी याद होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा, ठीक है। खुद से भी ड्रॉ करते रहेंगे मेरे साथ साथ तभी आपको याद होगा। अब यहां पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो लेफ्ट साइड से आ रही हैं, लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आती है बच्चे, इसका नाम है राम गंगा, राम गंगा, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है रामगंगा है, एक्चुअल में आती उत्तराखंड से ही है, ठीक है, दूधातुली श्रृंखला है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रामगंगा याद रखिएगा। यहीं पे इसी के किनारे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इंडिया का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो इसी के किनारे बना हुआ है, रामगंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे आती है गोमती, कौन सी आती है, गोमती। और गोमती बच्चे निकलती कहाँ से है, ये निकलती है पीलीभीत, यूपी में एक जगह है पीलीभीत, वहां से निकलती है, ठीक है, पीलीभीत, गोमती हो गई आपकी। दूसरे नंबर पे हो गई आपकी, तीसरे नंबर पे हो गई घाघरा, जी 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 वाली नदियां ज्यादा इधर, घाघरा, ठीक है। घाघरा कहां से निकलती है, नेपाल से, नेपाल हिमालय से निकलती है घाघरा, ठीक है। घाघरा के बाद हो गई आपकी गंडक, घाघरा के बाद है आपकी गंडक, ये भी आपकी नेपाल से निकलती है। गंडक के बाद हो गई बच्चे आपकी कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोशी, ठीक है, कोशी, ये भी आपकी नेपाल हिमालय से निकलती है। उसके बाद आपकी महानंदा, महानंदा, ठीक है, महानंदा आपकी कहां से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से, वेस्ट बंगाल से निकलती है बच्चे ये वाली, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्रश्न जो आपका आएगा, एक तो सबसे पहली बाई तरफ से आने वाली सहायक नदी गंगा में, ये है आपका आंसर रामगंगा, कहां से निकल रही है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, जो नीचे शिवालिक रेंज है उत्तराखंड में, वहां से निकलती है ये रामगंगा, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी गोमती, ये निकल रही है आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर है आपकी घाघरा, सारी बच्चे जी जी जी, गोमती, घाघरा और गंडक, घाघरा निकलती है नेपाल हिमालय से, फिर आती है गंडक, गंडक भी आपके नेपाल हिमालय से, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपकी नेपाल हिमालय से, ठीक है। अगली नदी है आपकी महानंदा, महानंदा के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, जो सोन के बारे में बनता है, सोन का क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको, कि दाई तरफ से सबसे अंतिम नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, वो हो गई आपकी सोन। वैसे बच्चे महानंदा के लिए भी बनता है कि बाई तरफ से गंगा की सबसे अंतिम ट्रिब्यूटरी, अंतिम सहायक नदी, यह है आपकी महानंदा, ठीक है। और यह कहां से आकर के मिलती है, दार्जिलिंग हिल्स, यहां पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपकी कोसी है, ठीक है, ये नेपाल हिमालय से निकल रही है। उसके बाद में जब ये बच्चे आपकी दो भागों में बढ़ जाती है, जो जो पद्मा वाली जो ट्रिब्यूटरी है ना, इसमें आकर के मिलती है, यहां से ऊपर जाएंगे वेस्ट बंगाल में, यहां पे आपकी दार्जिलिंग हिल्स है, तो यहां से निकलती है आपकी महानंदा और ये आकर के मिल जाती है गंगा में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे भी याद रखिएगा, महानंदा को, और
इसका पाथ एक बार आपको मैप में भी देखना है, इस तरीके से खुद भी ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन है, राइट साइड से कौन है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्योंकि बंगाल नदी का तंत्र तो सभी ने याद कर लिया है, ठीक है। तो अब लेफ्ट राइट और इनके जो ऑरिजन है, कहां से कौन सी निकल रही है, वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्या कंफ्यूजन है बताओ। इस वाले फिगर को देखने की जरूरत भी नहीं है बच्चे, ये तो आपको गूगल में फ्री में मिल जाएगा, ये तो ऐसे ही लाई हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद से याद हो ऐसे, ठीक है। ये वाला देखने की जरूरत है नहीं, उसमें कुछ है नहीं वैसे ज्यादा, अगर मैं जूम भी करूँ इसे तो इसमें कुछ है नहीं। सोन नदी सोनभद्र यूपी में है, हाँ। गोमती भी नेपाल में है, ठीक है। अरे नहीं, नेपाल नहीं, पीलीभीत में ही है। गोमती बच्चे आपकी जो है पीलीभीत, और एग्जैक्टली अगर इसे पूछा जाए तो पूछा जाता है फुलहार लेक, फुलहार लेक, फुलहार झील है, ठीक है, फुलहार झील है, वहां से ही निकलती है गोमती, ठीक है। तो पीलीभीत की जो पहाड़ियां हैं, पीलीभीत जो, हाँ, नेपाल से ही बाउंड्री बनाता है, पीलीभीत आपका ऐसा जिला है यूपी का जो कि नेपाल से बाउंड्री बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर से टच है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके फुलहार लेक है, फुलहार लेक से जो है आपकी गोमती निकलती है, तो उन्हें इस तरीके से याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और फिर आपकी महानंदा अंत में, ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद गंगा की आगे की कहानी मैंने आपको बताई है, हुगली तो आपकी जो है डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है यहाँ पे, और जो ये आपकी पद्मावती है, जो गंगा आपकी बची हुई है, ये बांग्लादेश में एंटर करती है, वहां पे जाकर के पद्मा इसे कहते हैं, और इसमें जो है आपकी ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र और ये मिलती है इसमें, और फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, मेघना बनाती है, जो अंतिम नदी, अंतिम नदी जो सुंदरबन का डेल्टा बना रही है, उसका नाम क्या है बच्चे, मेघना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका ये सुंदरबन का डेल्टा वाला है, हुगली जहाँ पे मिल रही है, ठीक है, हुगली के अलावा जो आपकी मेघना वाली जो आपकी स्ट्रीम है वो जहाँ पे मिल रही है बे ऑफ बंगाल में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब पढ़ते हैं इन रिवर्स के बारे में, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदियां हैं तो इनके बारे में बच्चे बहुत पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं क्या क्या है। पहले सबसे पहले तो गंगा ही है, गंगा का जो ओरिजिन है, गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाएगा, माउथ इसका कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके, हाँ, माउथ इसका कहाँ पे मिल रही है, सुंदरबन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। सिटीज कौन कौन सी है इसके किनारे पे, तो गंगा के किनारे हरिद्वार हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया और का पटना हो गया, ठीक है। सारे के सारे शहर जो है गंगोत्री के तट पे बने हुए हैं, ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका गंडक, गंडक गोमती के बाद जो है घाघरे के बाद गंडक पड़ाना, तो इस ये जो है आपकी ओरिजिन होती है धौलागिरी और अन्नपूर्णा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो पहाड़ियां हैं दोनों ही बच्चे कहाँ पे हैं, नेपाल में है। तो धौलागिरी की जो पहाड़ियां हैं, अन्नपूर्णा की जो पहाड़ियां हैं, उनके बीच से निकलती है गंडक नदी, ठीक है, नेपाल हिमालय में, और उसके बाद में नेपाल से आपकी इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो है आपकी घाघरा नदी, घाघरा जो है आपकी ये भी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। और अगर हम यमुना की बात देखें तो दूसरे नंबर पे यही आएगी, यमुना के बाद जो ज्यादा पानी लेकर के आती है गंगा में वो आपकी है घाघरा, ठीक है। ये हो गई आपकी घाघरा को करनाली भी कहा जाता है, ठीक है, घाघरा को बच्चे क्या कहा जाता है, करनाली भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो करनाली पावर प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा है नेपाल में, ठीक है, वो बच्चे आपका नेपाल में बन रहा है और वो यही नदी है घाघरा ही है, ठीक है। तो घाघरा जो है बच्चे ओरिजिन कहां पे इसका, ये नेपाल हिमालय में है, ठीक है, नेपाल हिमालय के नीचे जो है आपका, अब एग्जैक्टली आपको जगह का नाम याद
याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसे कर्णाली भी कहा जाता है और ये आपकी नेपाल से ही होते हुए जो है आपके एंटर में इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है आपका कोसी, इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, हमेशा अपना जो रिवर पाथ है वो आपके बदल लेती है, जिसके कारण जो है ये बहुत समय जो है जैसे ही आपका सीजन आता है ये बाढ़ लेकर के आती है ना, तो कोसी को बिहार ऑफ सोरो बिहार कहा जाता है। ये बच्चे आपकी कहां से निकलती है, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालयस द तिब्बत ऑटोमस रीजन एंड द सदर्न स्लोप इन नेपाल, ठीक है, जो नेपाल का दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है और कोसी नदी को ही सप्तकोसी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना कोसी नदी निकलती ऐसे नहीं है एग्जैक्टली, ये आपकी एक स्ट्रीम में नहीं निकलती है, लेकिन कैसे कैसे दो नदियों से मिलकर के बनती है, क्या नाम है उनका, वो ज्यादा जानना आपको जरूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये आपकी हिमालयन रीजन से आ रही है, नेपाल से होते हुए भारत में एंटर कर रही है, ठीक है। तो तीन नदी हो गई बच्चे, ने आप कहेंगे नेपाली नदियां हैं ये, ठीक है, गंडक हो गई, घाघरा हो गई और कोसी हो गई, ठीक है, कोसी को ही हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। अगली नदी है आपकी दामोदर, जो कि आपकी सोरो बंगाल कहलाती है, इसे कहा जाता है बंगाल का शोक, ठीक है, एक हो गई बिहार की शोक, एक हो गई आपकी बंगाल की शोक, बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। और ये आपकी कहां से निकलती है, देखिए ये आपके बच्चे छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है, तो वहां से आपकी निकलती है और ज्वाइन करती है हुगली को, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। उसके बाद है आपकी बराकर, बराकर नदी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी सहायक नदी है, तो बराकर जो नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बराकर, दामोदर और हुगली, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। अगला महानंदा है, महानंदा जो है दार्जिलिंग से निकलती है और ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये इस उसके अलावा जो दो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सोन और रिहन, ठीक है। सोन को देखिए बच्चे, ये भी आपकी राइट बैंक से मिलती है गंगा में और ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपका इसके बारे में, ठीक है, सोन के बारे में इतना याद रखिएगा, बाकी रिहंद नदी जो है, रिहंद के बारे में एक स्पेशल बात है, एक तो बच्चे आपके बागेलखंड वाले, बागेलखंड जो है प्लेटू है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये सोनभद्र जिला, अभी किसी ने कहा था सोनभद्र जिला, तो वहां से बहती है ये रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी है वो जो सोनभद्र जिले से बहती है, ठीक है, बागेलखंड एमपी से निकलती है, उसके बाद में सोनभद्र जो जिला है यूपी, वहां से आपकी एंटर करते हुए सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है, तो इसे याद रखिए, रिहंद नदी है वो जो सोनभद्र से बहती है। उसके अलावा बच्चे रिहंद पे आपका एक डैम बना हुआ है यूपी में, अगर आपको याद हो, ठीक है, 1962 में आपका डैम बना था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है और इसका नाम है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, इसकी खासियत बताइए जरा, कहां पे पड़ा हुआ है आपने ये नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, इसकी खासियत बताइए, विशेषता बताइए। ये बच्चे आपका रिहंद डैम जो है ना उसी पे जो रिजर्वियर है आपका, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है, उसका जो आपका झील है, लेक है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो रिहंद नदी हो गई आपकी, सोन नदी हो गई आपकी, सोन की ही आपकी ट्रिब्यूटरी है रिहंद, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, महानंदा हो गई, दामोदर हो गई, सोन हो गई, रिहंद हो गई, ये तीनों जो आपकी नेपाली नदियां हैं, कोसी, गंडक, घाघरा, तीनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में कम से कम इनका ओरिजिन तो आपको याद रखना ही रखना है कि कहां से कौन सी नदी निकल रही है। पूछो पूछो जल्दी से पूछो, नेहरू सेतु, वेरी गुड। अभी मैंने आपको पूछा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर की विशेषता क्या है, इसको आपने वन वर्ड में कई बार पढ़ा होगा, ये बच्चे आपका कृत्रिम कहा जाता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है ना, सबसे बड़ी जो है आपका कृत्रिम लेक है, कृत्रिम बांध नहीं, ये आपका कृत्रिम लेक, कृत्रिम झील कहेंगे इसे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, ठीक
ठीक है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये रिहंद बांध का जो रिजर्वियर है वो है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसे आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। और रिहंद नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की है, और सोन किसकी है, सोन आपकी है गंगा की, ठीक है, हुगली की नहीं है, हुगली की है आपकी दामोदर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अभी बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं। बताइए बच्चे, गंगा का जो आपका पाथ है ये क्लियर हुआ है या नहीं। वो देखने में बड़ा लग रहा है आपको लेकिन इतना है नहीं, ठीक है, चार पांच नदियां इधर हैं, दो तीन नदियां उधर हैं, बस वही याद करनी है। हाँ थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है प्रयागों में, इसे आपको एक दो बार बनाएंगे तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रयागों में तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसे जो है अगर आप दक्षिण से मतलब हिमालय की तरफ चढ़ते हुए जाएंगे तो कौन सा प्रयाग पहले आएगा, ठीक है, तो इनका जो आपका क्रम है वो भी याद है कि पहला कौन सा वाला प्रयाग आ रहा है, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, आपका नंद प्रयाग, और लास्ट में विष्णु प्रयाग। अगर हम नीचे से बात करें, ऊपर से उतरेंगे नीचे की तरफ तो सबसे लास्ट में आपको देवप्रयाग मिलेगा, ठीक है, जहां से गंगा जो नाम है वो मिलता है इन दोनों नदियों को, ठीक है। चलिए कुछ नहीं आएगा तो बताना मुझे, आगे है क्वेश्चन, आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, बताइए चंद्रयान 3 को किसमें ले जाया गया था, चंद्रयान 3 को किसमें ले जाया गया था, अमरकंटक से 3 रिवर 3 डायरेक्शन में निकलती हैं जो, बच्चे अमरकंटक का फैलाव है दोनों में, ठीक है, अमरकंटक का फैलाव है दोनों जगह, एमपी और यहाँ पे। अब एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आपको अमरकंटक याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है ना, तो अमरकंटक याद रखिएगा, अमरकंटक श्रृंखला से निकलती है ये सोन नदी जो है, और अभी तो ये मुझे एमपी ही मिला है, अमरकंटक मुझे दोनों में है आपका, ठीक है, एमपी में भी है और दोनों स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसमें फैलाव है आपका अमरकंटक का। इसका आंसर तो बहुत ईजी हो गया, कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबोव, ठीक है। देखिए LVM3 ये बच्चे इसी का नाम है, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल Mk3, और ये लॉन्चिंग व्हीकल किस प्रकार का है, ये आपका GSLV है, ठीक है, ये आपका GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, ये आपका कौन सी वाली ऑर्बिट में छोड़ता है तो उसके हिसाब से जो है इनके नाम रखे जाते हैं, जैसे आपका PSLV हो गया, SSLV हो गया, पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेटिक सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वो आपका GSLV कहलाता है, ठीक है, तो ये GSLV है। अब आपको दोबारा से बताना पड़ेगा, जो लॉन्चिंग व्हीकल है ना बच्चे, ये भी आपके अलग अलग टाइप के हैं, जो अर्थ की ऑर्बिट्स होती हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं, कोई आपकी पोलर ऑर्बिट होती है, एक आपके जियो सिंक्रोनस होती है, एक आपके जियो स्टेटिक्स होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है सेटेलाइट क्या करता है, जो रॉकेट होता है वो अलग अलग ऑर्बिट पे पहुंचाने के लिए बना होता है ना, जो सेटेलाइट होता है उसे कहाँ पे पहुंचाना है ये सेटेलाइट के टाइप पे डिपेंड करता है, तो वो रॉकेट जिस ऑर्बिट में छोड़ने जाएगा उसी के नाम पे जो है उसका नाम होता है, वो पोलर वाला है या फिर आपका जियोसिंक्रोनस वाला है या फिर जियोस्टेटिक्स वाला है। तो ये जो हम एलवीएम मार्क 3 बार-बार पढ़ रहे हैं, एलवीएम 3 जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये आपका कौन सा वाला है, या तो जियोसिंक्रोनस में छोड़ करके आएगा या तो जियोस्टेटिक्स में छोड़ के आएगा। अब ये मत पूछिएगा कि जियोसिंक्रोनस और स्टेटिक क्या क्या है, दोनों आपके अलग अलग ऑर्बिट हैं, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि GSLV मार्क 3 आपका पूरा नाम है इसका, ठीक है, उसी से आपका LVM3 बना हुआ है बच्चे। इसे तो अगर आप वैसे अगर इसे फुल फॉर्म देखने जाएंगे तो लॉन्चिंग व्हीकिल होगा, लेकिन लॉन्चिंग व्हीकिल कौन सा वाला, भारत ने जो लॉन्चिंग व्हीकिल बनाए हुए हैं, एक आपका PSLV बनाया हुआ है, एक आपका GSLV
एसएसएल भी बनाया हुआ है, ठीक है, अभी हाल ही में एसएसएल भी बना दिया है, सबसे छोटा वाला है ना, तो ये सारे के सारे बनाए हुए, तो इनमें से कौन सा वाला है जो एलवीएम मार्क 3 वाला है वो पोलर वाला है या फिर जियोसिंक्रोनस वाला है? तो उसे याद रखिएगा वो आपका जीएसएलवी है, ठीक है, कौन सा वाला है, जीएसएलवी मार्क 3, इसलिए इसका ये वाला होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा एलवीएम मार्क 3 बचे, क्योंकि अभी जी और पी लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, जब आप बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ना है चंद्रयान 3 को, तो वो कौन से वाली ऑर्बिट से जाएगा, जो हाइपर लूप वाली ऑर्बिट होती है, वो अभी आज कितनी तारीख है, जाने भी वाला है, 5 तारीख को ये जो है आपका चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है चांद की ऑर्बिट में, ठीक है, तो बच्चे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जो है इस तरीके से इसे भेजा जाएगा, इस तरीके से घूमते घूमते जाएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हाइपरलूप ऑर्बिट से जा रहा है, तो ये आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जिस पे ये आपका जाएगा, तो कौन से वाले से जाएगा, पोलर वाले से नहीं जा सकता है, सारे के सारे जो आपके सैटेलाइट्स हैं जो आपको दिखते हैं यहां से खड़े होकर के, जो आप लोग देखते हैं सैटेलाइट्स को, ठीक है, वो सारे के सारे आपके जियो सिंक्रोनस होते हैं या तो जियो स्टेटिक्स होते हैं, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर ये भी नाम आए तो ये भी सही है, अगर एलवीएम 3 आए तो ये भी सही है, ठीक है, इस रॉकेट का नाम आपका दोनों प्रकार का सही है। एलवीएम 3, ठीक है, एलवीएम 3 भी सही है, और अगर उस पर जी लगा दिया, जीएस लगा दिया, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा, फिर वो पूरा नाम आ जाएगा, पूरा का पूरा प्रकार बता दे रहा है कि रॉकेट जो है वो कौन से प्रकार का है, ठीक है, तो पी तो है नहीं, पोलर पे तो नहीं छोड़ेंगे ना, पोलर पे नहीं जाएगा, पोलर पे अधिकतर आपने देखा होगा कौन से वाले रहते हैं बच्चे, जो पोलर क्षेत्र की या तो कोई जो है आपका वहां पर जो नेविगेशन वाले हैं, नेविगेशन वाले जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे वहीं पर रहते हैं ना, उन्हें जो है पीएसएलवी से लॉन्च किया जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा। चलिए अगला है, पुरुषेकर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीत लिया है, बताओ, पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब, बैडमिंटन का चैंपियनशिप है ये, किसने जीता है, नाम क्या है बच्चे, लक्ष्य सेन, वेरी गुड, अब सभी के सभी बी बी बी, अच्छा इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एच एस प्रोनॉय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एच एस प्रोनॉय ने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने जो है इसका सिंगल का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नई संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, बताओ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी ने बनाया है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपका टाटा है, या फिर दिलीप बिल्ड कौन है, बताइए किसने बनाया है बच्चे, सेंट्रल विस्टा, पता नहीं कितनी बार इनॉग्रेशन हो चुका है इसका, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बताइए नई संसद भवन का निर्माण किसने किया है, ऑप्शन नंबर सी सी सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, वेरी गुड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, बताइए बच्चे, सबसे लंबा समुद्री पुल, और मुझे ये भी बताइए कि अभी जो आपका समुद्री पुल है जो सबसे लंबा है वो कौन सा वाला है, अभी प्रेजेंट में उसका नाम बताइए, और ये तो अभी होने वाला है, इसका नाम बताइए, बताएं बच्चे, उस पुल का नाम बताइए जो आने वाले दिनों में जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे लंबा सी लिंक होगा, सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अच्छा ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली ट्रांस हार्बर लिंक, कोलकाता ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर आपका चेन्नई ट्रांस हार्बर लिंक, अच्छा समुद्र दिया हुआ है और दिल्ली दिया हुआ है, पहला वाला तो कट कट जाता है आपका, है ना, पहला वाला तो कट गया,
दिल्ली में तो समुद्र कहाँ ही है। उसके बाद तीन बचते हैं बच्चे, और तीनों में से जो आपका जवाब सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये जो है आपका सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, और ये जो आपका मुंबई टू वर्ली वाला सी लिंक है ना, अगर आपने कभी देखा है तो मुंबई वर्ली जो आपका सी लिंक है वो उसे ही आपका क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है और ज्यादा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेगा, ये है आपका मुंबई वाला। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, किसने कार्यभार संभाला है सीबीआई के निदेशक के रूप में, बताइए। डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, नाम बताइए, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, प्रवीण सूद। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए प्रवीण सूद। अगला है, शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61st एडिशन में एआई सुपर कंप्यूटर एरावत की रैंक क्या थी, बताइए जरा। एरावत जो कि भारत के द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, इसकी रैंक क्या रही जब आपका टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट निकाली गई, बताइए। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है बच्चे, इसकी रैंक क्या रही? एरावत को याद रखिएगा, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। कई बार ये भी अगर पूछ लिया जाए कि एरावत है क्या चीज, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सेवेंटी फाइव, वेरी गुड, 75th प्लेस पे है एरावत। एरावत को याद रखिएगा, भारत के द्वारा निर्मित क्या है आपका, एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है एरावत। अगला है बच्चे, किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था, बताइए। 2023 का जो बुकर प्राइज है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये, टाइम शेल्टर बुक का नाम है, राइटर का नाम बताइए, टाइम शेल्टर बुक का नाम है, राइटर का नाम बताइए, किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड बच्चे, जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव इनका नाम है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 का, इनके बुक का नाम भी याद रखिएगा, टाइम शेल्टर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला, बताइए, पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री, रियाना बरनावी, अनुशेष अंसारी, सारा साबरी या फिर मार्शा इविंस, नाम बताइए इनका, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड बच्चे, इनका नाम है रियाना बरनावी। ठीक है, ये जो है आपका पहली अरब महिला है जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला है, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के कौन से जिले में शुरू हुआ है, यूपी के कौन से जिले में शुरू हुआ है? ठीक है, यूपी में शुरू हुआ है ये तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बताओ। आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर। वेरी गुड, इसे बच्चे शुरू किया गया था
गौतम बुद्ध नगर से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला है, भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? भारत में जो कॉमनवेल्थ डे है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रमंडल दिवस कौन सी तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा, ठीक है। यह है आपका 24 मई, 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है भारत के द्वारा। अगला है, मेटा, मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है वर्तमान में, बताइए। मेटा, बच्चे आपने सुना होगा, मेटा जो नाम है फेसबुक का नाम जो है आपका ऑफिशियली मेटा हो गया ना, तो जो आपका फेसबुक मेटा है उसके फाउंडर, मेटा के जो फाउंडर हैं और मेटा के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वर्तमान में, बताओ नाम, ध्यान से पढ़िएगा। कविन, भारती मित्तल, मार्क जुकरबर्ग, एडम मोसेरी या फिर विल कैथकार्ट, नाम बताइए। मार्क, ठीक है, इनका नाम तो सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो फेसबुक की जगह मेटा पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, यही है मार्क जुकरबर्ग। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 रुपए के नोट कब जारी किए गए थे, हाल ही में जो है इसे प्रचलन से हटा दिया गया है 2000 के नोट को, लेकिन इसे जारी कब किया गया था वो बताइए। नोटबंदी के बाद में बचे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट जारी किए गए थे, ठीक है, तो कब किए गए थे बताइए, कब किए गए थे, इन विच ईयर, वेरी गुड, 2016, और अभी जो है 2023 में से बंद कर दिया गया है। 22 मई 2023 को पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में विश्व का नंबर वन खिलाड़ी कौन बना है, यह भी आपके लिए आसान सा हो गया है, भाला फेंक की रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में, विश्व की रैंकिंग में आपका पहला नंबर का खिलाड़ी कौन बन गया है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है, भारतीय ओलंपियन है बच्चे, गोल्ड मेडलिस्ट है, इनके द्वारा जो है आपका पहला, इनके कैरियर में पहली बार जो है आपके पहले स्थान पे पहुंच गए हैं। इटालियन ओपन 2023 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है, इटालियन ओपन, इटालियन ओपन इनमें से कौन सी, ये आपका टेनिस का है, ठीक है, टेनिस का है, और ये बच्चे किसने जीता है, ये आपका किसने जीता है, डैनिल मेदवेदेव, डैनिल मेदवेदेव इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्रांड प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, बताइए, लंबी कूद की खिलाड़ी कौन सी है इनमें से, ये आपने लास्ट भी पढ़ा है इसे, शैली सिंह इनका नाम है बच्चे, ठीक है, कहाँ से पता कि इन्होंने जीता है, बस इनका याद रखिएगा कि लंबी कूद से रिलेटेड है ये खिलाड़ी, एथलीट है, शैली सिंह इनका नाम है। अब चलिए आता है आपका एस्थेटिक वाला पोर्शन, पहला प्रश्न है, वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग भारत के कौन से राज्य की लोक चित्रकला है, बताइए, फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला कौन से स्टेट की है, ये फोक पेंटिंग कौन से स्टेट की है, वर्ली पेंटिंग, नाम है वर्ली पेंटिंग, ये रही बच्चे इसका एक नमूना, ये रहा, बताइए ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, राज्य, अच्छे से याद रखिएगा, वर्ली ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड है आपका वर्ली पेंटिंग भी। अगला है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था, यानी कि आपको पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था, बताइए, खेड़ा सत्याग्रह,
गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या उनके तो जितने भी बचे आपके सत्याग्रह हैं आंदोलन है सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो खेड़ा बताइए कि आपका कौन से साल में हुआ था, 18, 20, 16। वेरी गुड, बहुत अच्छा वेरिएशन है आपके ऑप्शन आंसर्स में। चलिए इसे याद रखिएगा, 1919 में, ठीक है, 1919 में जो है आपका कहाँ पे बचे किसानों के समर्थन में, कहाँ पर खेड़ा जो जगह है कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में खेड़ा के खेड़ा नाम का जिला वहां पे जो है इन्होंने सत्याग्रह किया था 1918 में, 1918। अगला है प्रसिद्ध स्मारक, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर के द्वारा बनाया गया था, यह कहाँ पर मौजूद है बताइए, आराम बाग कहाँ पे है भाई, आराम बाग मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी या फिर दिल्ली, कहाँ पे है आराम बाग, किसके द्वारा बनाया गया है ये, बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा बनाया गया था ठीक है। जो बहुत फेमस बच्चे चार बाग पद्धति थी बाग को बनाने की, वो बाबर के द्वारा ही लाई गई थी हिंदुस्तान में। उसके बाद बहुत सारे जो हैं आपके बनाए गए, बहुत सारे जो हैं आपके बनाए गए बाग इस तरीके से, तो एक आराम बाग भी है बताइए ये है कहाँ पे, एमपी, एमपी, यूपी, एमपी। वेरी गुड बच्चे, यूपी में है ये, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ठीक है। आराम बाग बनाया किसने था, बाबर ने बनवाया था। अच्छा मानसरोवर, काफी दिनों से हम लगातार मानसरोवर 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 पढ़ रहे हैं, बताइए कि मानसरोवर जो किताब है ये लिखी किसने है, मानसरोवर क्या है, झील है जिससे कि भारत के तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं, इंडस हो गई, सतलज हो गई और आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, है ना। ये भी आप देखिए ना, एक ही झील है और ये बहुत बड़ा एरिया, इसका जो कैचमेंट एरिया है बहुत बड़ा होगा ठीक है, जिन ग्लेशियर से झील बन रही है वो भी आपके बड़े बड़े हैं, तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दक्षिण तरफ से जो है आपकी सतलज निकल जाती है, उत्तर की तरफ से आपकी इंडस रिवर निकल जाती है, लेकिन हम कहेंगे तो मानसरोवर ही उसे ठीक है। तो मानसरोवर जो आपकी किताब है, मानसरोवर किताब का नाम भी है, इसके राइटर का नाम पूछा है आपको बताइए किसने लिखी है ये, अच्छा याद रखिएगा इनका नाम मुंशी प्रेमचंद ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है मानसरोवर पुस्तक। अगला है बच्चे 1956, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने किस चीज का बेस तैयार किया था बताइए जरा, 1956 क्या हुआ था 1956 में इनमें से, तो ये आपको अगर 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड याद है तो वो आपको याद रहेगा बच्चे बताइए। 1956 में तत्कालीन सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प लिया था जिसने तैयार किया था इनमें से किसी एक पंचवर्षीय योजना का आधार या फिर कहेंगे मॉडल बताइए जरा, कौन सी वाली है ये औद्योगिक नीति, सेकेंड, वेरी गुड, 1951 से 55 तक पहली, उसके बाद में 56 से 61 तक आपकी दूसरी है ना, तो 1956 में आपकी कौन सी वाली शुरू हुई थी, आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इसका जो आपका मेन विजन था या फिर मेन उद्देश्य था वो औद्योगिक विनिर्माण औद्योगिक गतिविधि को जो है आपका डेवलप करना, औद्योगिक विकास जो है इसका क्या था मुख्य उद्देश्य था। तो थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि हाईकोर्ट को उच्च न्यायालयों को रिट से संबंधित क्या देता है, राइट देता है, अधिकार देता है बताइए, उच्च न्यायालय के रिट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हें क्या है बच्चे, रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन दोनों ही प्रकार के कोर्ट को अलग अलग आर्टिकल में ये इजाजत दी गई है या फिर अलग अलग आर्टिकल जो है ये पावर देता है ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो है आपको बताना है और साथ में एससी का भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आपकी रिट जारी करने की उनकी पावर है ये कहाँ पर दी गई है, कौन से आर्टिकल में दी गई है, हाई कोर्ट पूछा है ठीक है, ध्यान से हाई कोर्ट पूछा है बच्चे, टू टू सिक्स, वेरी गुड, हाई कोर्ट पूछा है तो मतलब
226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो आपकी पावर है, जो शक्ति देता है, वो ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। और ये रिट जारी कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। तो अगर वो अपने जो मौलिक अधिकार है उनके हनन होने पर किसी भी कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, 32 आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बच्चे, यहां पे आपका आज का सेशन भी समाप्त होता है, ठीक है। अब नदियां जो आपका टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। नदियों से रिलेटेड आप क्या करिए, एक चीज आपके साथ साथ में क्लियर हो जाएगी, जितने भी आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं इंपॉर्टेंट जो है, सभी के पास में किताब है, मुझे पता है सभी के पास में नोट्स बने हुए भी होंगे ऑलरेडी। तो नदियों के साथ साथ उन सारे जो आपके प्रोजेक्ट है उन्हें भी जो है साथ में पढ़ते जाइए, क्योंकि नदियों को अभी अभी जो है आपने समझा है, जाना है, पढ़ा है, तो वहां से जो है कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो साथ में एक और टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, कौन से स्टेट में है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, खुद से करना है आपको सारी की सारी चीजें, दूसरे के भरोसे नहीं, ठीक है। अपने आप भी कुछ करो। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, अगला टॉपिक बता दो मुझे, अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या करना है अभी। फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स, हाँ क्वेश्चन, अभी जो ये 5 क्वेश्चन है बच्चे, ये तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी के साथ में मैं आपके लिए ये नदियों वाला जो पढ़ा है, मैं सोच ही रही थी कि आपको पूछ भी दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है सिर्फ वही पूछूंगी मैं, अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो भी पूछ लूंगी, तो 5 क्वेश्चन कल आपके नदियों से भी होंगे, रिविजन भी हो जाएगा और कोई नई चीज भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, ठीक है। बताओ क्या पढ़ोगे कल, टेलीग्राम पे कुछ भेजा था, अच्छा मेरे पास आया नहीं है, कोई बात नहीं मैं चेक कर लूंगी अभी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर में बच्चे हम फोक डांस से शुरू करते हैं, ठीक है। फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक पेंटिंग हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद में क्लासिक पे जाते हैं फिर, क्योंकि क्लासिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो गाना हो गया, चाहे वो आपका नाचना हो गया, कुछ भी हो गया, क्लासिकल से भी बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर फोक स्टार्ट करते हैं अभी कल से, ठीक है। चलिए फिर अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।